सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का फैसला। मरीजों के गुर्दे अब ठेके पर वाश होंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। महकमे सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनियों से बिड्स तलब कर ली। प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज मजीद महंगा होगा। सरकारी कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात। इमारतों को शामिल प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। एआई आईटी से मुतल्लिका कोर्सेज करवाए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने तजावीज हुकूमत को पेश कर दी। वजीर आला ने मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। पीएनडी बोर्ड का इजलास, 51 करोड़ के फंड मंजूर। हाजी कैंप से दरिया रावी तक निकासी आप का मंसूबा भी शामिल। बारछी पानी का भी निकास यकीनी बनाया जाएगा। 40 करोड़ 66 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड नबील अहमद आवान ने इजलास की सदारत की। रबी जो मैं मॉडल बाजार जिसका मैं इफ्तिताह करके आई हूँ, जिसको आपने अपग्रेड किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि आवाम की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए आपने मॉडल बाजार को एक मॉडल बना के जो है वो लोगों के लिए पेश किया है कि जो रनर्स हैं वो पीछे बच्चे खड़े हैं मोटर बाइक्स के साथ, आपके घर की दहलीज पर जो रियायती नुस्खों पर सारा आपका किचन का सामान अवेलेबल होगा इंशाल्लाह ताला। मॉडल बाजार टाउनशिप में फ्री होम डिलीवरी का इफ्तिताह। 36 मॉडल बाजारों में आवाम को अशिया खुरनोश की मुफ्त डिलीवरी मिलेगी। मरियम नवाज ने मॉडल बाजार की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह कर दिया। मॉडल बाजार में 200 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगेगा। बिजली के 50% प्लांट बंद, पैदावार सिफर है। बंद प्लांट को बहाना 1000 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। बिजली की असल कीमत 24 रुपये यूनिट, हुकूमत 60 रुपये यूनिट वसूल कर रही है। 48% IPP 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत है। आवाज़ उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज जुल्म के खिलाफ फट पड़े। बिजली के टैरिफ में इजाफा नामंजूर। नेप्रा में नुमाइंदगी मांग ली। पूछा क्या सार्फिन से बंद प्लांट्स के चार्जेस लेना जुल्म नहीं? लोग दवाई के पैसे भी बिलों में झोंक रहे हैं। लाहौर गैंगस्टर्स के लिए इलाका गैर बन गया। शहर में 123 गैंग्स के 329 मुलजिमान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस। डकैती के 9, अगवा बराए तावान के 2 गैंग्स लाहौर में सरगरम। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। सरकारी स्कूलों में लाखों के फंड में घपले। असातिज़ा को फिक्स तनख्वाह की बजाय कम मुआवजा अदा किए जाने का इंकशाफ। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन यूनिट का स्कूलों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का हुक्म। लाहौर में आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 108 हो चुकी है। शहर में सीमर डीलर्स की हड़ताल का आज 7वां रोज। डीलर्स के पास स्टॉक खत्म, तामीराती सनत को बड़ा धचका। मकानों की तामीर में शहरियों को मुश्किलात का सामना। डीलर्स की जानिब से सप्लाई ना लेने से फैक्ट्री मालिकान को करोड़ों के नुकसान का सामना। मजदूर किसान पार्टी बढ़ती महंगाई के खिलाफ रायबन रोड पर सरापा एहतजाज। महंगाई से गरीब आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन ने बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। शाहदरा में बिजली की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथ में रोटियां और बिजली के बिल उठा रखे थे। हुकूमत से बिजली के बिलों में आयद टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। नवाबपुरा इच्छा के मकीनों का सुई गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सुनवाई न होने पर महकमे गैस के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं कि कई साल से इलाके में गैस नहीं, महंगे सिलेंडर कैसे भरवाएं। जोहर टाउन राजपूत स्ट्रीट के पार्क की अबतर सूरत हाल। बैरूनी दीवारें जंगले टूट गए। पार्क से झूलों का नामो निशान मिट गया। सीवरेज के पाइप और गंदगी के ढेर भी मौजूद। मनामा स्काईलैंड रोड पर सीवरेज का नकारा निजाम। गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। इधर मेन समनाबाद रोड मोहल हिक्का गलियों में भी सीवरेज का गंदा पानी जमा। मच्छर और बीमारियां जन्म लेने लगी। कोट अराया जिया बग्गा रोड भी मसाइल की आमाज गाह बन चुका है।
शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गए। विंडसर पार्क इच्छा के दोनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मॉडल टाउन हेच ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से खराब। इलाका मकीन साफ पानी के लिए दरबदर। प्लांट में मशीनरी भी मौजूद नहीं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला। अस्पतालों में सफाई, सिक्योरिटी, पार्किंग के ठेके महकमे सेहत खुद देगा। सफाई, सिक्योरिटी और पार्किंग का पंजाब भर का सेंट्रल ठेका देने का फैसला। फैसले से बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला संगीन हो गया। कंपनी का सालाना बजट भी मंजूर नहीं किया जा सका। तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर मंसूबों पर काम रोक दिया गया। मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी नहीं की जा सकेगी। रेस कोर्स में कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। इगवा बराए तावान सेल ने मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर मजहबी और अकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किशोर की शिरकत। मार्शल के कत्ल पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शदीद एहतजाज किया था। महबूस की बाजियाबी। थानों के रिकॉर्ड से मुतालिक केस। एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी डीआईजी एस एन यूनस पेश हुए। डीआईजी लीगल मलिक अवैस, डीआईजी कामरान आदिल भी पहुंचे। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अलीजा बाजवा ने कहा कि केस को शायद लार्जर बेंच में भिजवा दिया जाए। खातून के बच्चे की बाजियाबी से मुतालिक केस। एडिशनल डायरेक्टर एफआईए आयशा खान हाईकोर्ट पेश। बच्चे को बैरून मुल्क ले जाने वालों के नाकाबिले जमानत वारंट। गिरफ्तारी जारी। अदालत का बच्चे को ले जाने वालों के पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। पसंद की शादी करने वाले शोहर ने दो बच्चे छीन कर बीवी को घर से निकाल दिया। भारतीय खातून बच्चों की बाजियाबी के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई चीखो पुकार। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने खातून फरजाना बेगम की दरख्वास्त पर समाप्त की। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखबर जेल मुंतकली का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखबर मुंतकिल कर दिया जाए। जिना हाउस हमला और जिला घिराव के मुकदमात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 6 अगस्त तक तौसी। बानी पीजीआई की बहन उज्मा खानम भी पेश हुई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समाप्त की। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। जैन कुरैशी, आजम सवाती, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, फरत अब्बास भी अदालत आए। लाहौर हाईकोर्ट के ग्रेड 20 और 19 के अफसरान के तबादले। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जाहिद महमूद का प्रिंसिपल सीट पर तबादला। असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमजद बशीर डारको रावलपिंडी बेंच से प्रिंसिपल सीट पर तब्दील कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात का नोटिस। 4 एहतसाब अदालतों के मुकदमात दूसरी अदालतों में मुंतकिल। 10 एहतसाब अदालतों में से सिर्फ 3 अदालतों में जजेस तैनात। आईजी ऑफिस में डीआईजीज की अहम तरीन सीटें खाली। ताजुनाती न होने से डिजिटलाइजेशन। तकर्रो तबादले और कानूनी अहम उमूर मुतासर। डीआईजी हेडक्वार्टर्स, डीआईजी लीगल और डीआईजी आईटी का चार्ज एमडी सेफ सिटीज को देकर काम चलाया जाने लगा। उधर पुलिस में तरक्कियों के लिए मंसूख कोर्सेज दोबारा शुरू करने का हुक्म। आईजी की कोर्सेज दोबारा 23 जुलाई से शुरू करने की हदायत। तमाम ट्रेनर्स को मुतवालका ट्रेनिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में रिपोर्ट करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हुक्मरान जमात का इत्तेहादियों से राबतों का फैसला। असर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जल्द इजलास बुलाने का फैसला। नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राबता करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और दीगर से मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तब्दील करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों के लिए दी गई फहरिस्त को तब्दील किया जाएगा। मुशावरत जारी। हतमी मंजूरी के बाद लिस्ट बानी पीटीआई को दी जाए। सरकारी स्कूलों में मिडल मैट्रिक इंटरटेक शुरू करने का मंसूबा। मार्केट रुझान के मुताबिक टेक्निकल कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। वजीर तालीम ने महकमे के अफसरान को टास्क दे दिया।
वजीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास, टेक एजुकेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए मुशावरती कमेटी बनाने की हिदायत। चेयरमैन काबीना कमेटी सलमान रफीक की पीडीएम में हेड ऑफिस आमद, कंट्रोल रूम का दौरा। सूबाई वजीर ने बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। डीआईजी इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग दी। डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल की जिर सदारत इजलास, बेहतरीन नौजवान खिलाड़ियों के लिए खसूसी कैंप लगाने का फैसला। लाहौर के 12 समर स्पोर्ट्स कैंप्स में 838 बच्चों को तरबियत दी जा रही है। डीजी स्पोर्ट्स से ओलंपिक स्टार अरशद नदीम की मुलाकात, अरशद नदीम ने अपनी तैयारी के बारे में बताया। फ्रेंसिक साइंस एजेंसी के लिए नया सामान खरीदने का हुक्म, डीएनए नए सामान के साथ पौने घंटे में होगा। होम सेक्रेटरी का 1 अरब जारी करने का मरासला। उधर हुकूमत का चीनी और गैर मुल्की वफूद के लिए नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने की तजवीज, महकमे SNGAD ने समरी मंजूर कर ली। MD कैट का इम्तिहान 22 सितंबर को होगा, इम्तिहान एक ही दिन लिया जाएगा। PMDC का ऐलान, MD कैट का निसाब अगले हफ्ते PMDC वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कौंसल की तमाम सूबाई सेक्रेटरीज को इम्तिहान की तैयारी शुरू करने की हिदायत। महकमे दाखिला में प्रमोशन कमेटी का इजलास, ग्रेड 17 के डिप्टी सुप्रीडेंट को ग्रेड 18 में बतौर सुप्रीडेंट तरक्की दे दी गई। सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल मोहम्मद मंशा, टीपू सुल्तान वजाहत अली खान को भी तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। CEO रूडा की मुद्दे मुलाजमत में 1 साल की तोसी का फैसला, काबीना ने मंजूरी दे दी। इमरान अमीन 14 जून 2021 को 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हुए। चेयरमैन रूडा असफर अली नासिर की सिफारिश पर कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल तोसी की गई। स्मोगी व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म, रवामा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान 1,20,00,000 के जुर्माने। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने कहा, हमने धुएं को खत्म ना किया तो ये हमें खत्म कर देगा। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी, 23 सितंबर को कारपोरेट और 24 को एसोसिएट क्लास के लिए पोलिंग होगी। फुल हाउस 32 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। 15 कारपोरेट और 15 एसोसिएट क्लास की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। उधर लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए जोर तोड़ का सिलसिला जारी। मियां शफकत ग्रुप ने अंजुम निसार ग्रुप की 2 अहम विकटें उड़ा दी। मुदस्सर मसूद और वाजिद चौधरी ने मियां शफकत ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर दी। पंजाब पुलिस स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के 36 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब तारिक उस्म चौहान ने सर्टिफिकेट तकसीम किए।